Hello dear students, now we solve exercise 2.2, question number 1. A set आपके पास given है, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 और 6. R आपके पास relation है from A to A, R is equal to X, Y, such that y is equal to x plus 1. Write down the domain and range of R. R की हमें domain और range लिखनी है बच्चों. पहले तो हम इसको जो roster form में R को लिख लेते हैं. देखिए इसमें कैसे ordered pair आएंगे. देखिए ध्यान से. जो x है बच्चों y उससे एक ज्यादा आएगा. तो x को ले लिया बच्चों मैंने 1. तो y कितना आएगा 1 plus 1 2. x को ले लिया 2. फिर आएगा बच्चों 3. और यहाँ 3 लिया तो फिर आएगा 4 और यहाँ 4 लिया तो बच्चा आएगा 5 और आगे अगर हमने बच्चों 5 लिया तो आगे आपके पास क्या आएगा 6. ठीक है, इसके बाद एक ध्यान रखना बच्चों, जैसे ही 6 लेंगे तो उसके बाद क्या आएगा 7. यहाँ पर जो सबसे नोट करने वाली बात है बच्चों, 7 है जो हमारे पास ए सेट में नहीं है, तो इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. इसको ऐसे मैं लिख देता हूँ, बट 7 इज नॉट बिलोंग टू ए, देयरफॉर 6 7 नॉट बिलोंग टू आर. 6 7 आर में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 7 हमारे पास सेट का ही एलिमेंट नहीं है. तो हेंस आर आपके पास क्या बचेगा बच्चों, आर इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5. ये आपके पास बचेगा, ये नहीं लेना बच्चों. जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसको शुरू में ही नहीं लिखेंगे. उसके बाद पूछा था बच्चों उसने डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो सबसे पहले लिखते हैं हम डोमेन ऑफ आर. डोमेन ऑफ आर का मतलब जो फर्स्ट पोजिशन पर एलिमेंट्स होते हैं. क्या देखो, 1 2 3 4 एंड 5. रेंज का मतलब क्या होगा बच्चों, जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट्स. रेंज क्या हो जाएगी देखो, 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास रेंज हो जाएगी. रेंज और इस तरीके से आपको ये काम करना बच्चों. क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आप खुद ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं बच्चे. हम देखिए आपके पास क्या किया है ना, ए कोमा बी बिलोंग टू एन, यानी कि ए बी कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है एंड आर इज रिलेशन क्या बच्चों, एंड आर इज आर रिलेशन आपके पास ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी. ए इज ए डिवाइजर ऑफ देन प्रूव दैट. आपको प्रूव क्या करना बच्चों, देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन ऑन एन. आपको प्रूव करना है कि आर आपके पास रिलेशन हो जाएगा नेचुरल नंबर. देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, सिंस ए कोमा बी बिलोंग टू एन, यानी कि ए भी आपके पास क्या है नेचुरल नंबर, एंड रिलेशन क्या किया ना बच्चों, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी. इसका मतलब ए बी को क्या करता है, डिवाइड करता है. ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, और ये कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, एन में. इसका मतलब हर एक नंबर है जो ए इसको डिवाइड करता है, बी को डिवाइड करता है बच्चों. इसका मतलब आर है जो वो किसका सबसेट हो जाएगा, एन का. आर है जो आपके पास किसका सबसेट हो जाएगा, नेचुरल नंबर है. देखिए 1 किसको डिवाइड करता है, 1 को. उसके बाद 2 किसको डिवाइड करता है, 2 को. 3 3 को. इस तरीके से आपके पास चलते रहेंगे नेचुरल नंबर. तो आर किसका सबसेट हो जाएगा, एन का आपके पास सबसेट हो जाएगा. तो इसका मतलब आर आपके पास क्या हो जाएगा, रिलेशन. देयरफॉर आर इज ए रिलेशन ऑन आर आपके पास रिलेशन हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स पे. आर इज रिलेशन ऑन. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, ए सेट है बच्चों, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 25 तक एलिमेंट्स दिए हुए हैं.
एंड आर इज द रिलेशन इज वन फोर्थ ऑफ, आर जो रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन, क्या रिलेशन क्यों ना बच्चों, इज वन इज वन फोर्थ ऑफ आर, आपके पास रिलेशन है बच्चों वन फोर्थ हमें लेना, तो फिर हमने उसकी डोमेन और रेंज निकालनी, आर ले लेते हैं बच्चे पहले, देखिए ध्यान से वन फोर्थ क्या आएगा, वन फोर्थ, फिर अगला एलिमेंट पर टू फोर, यानी कि टू फोर चाहे टू एट, उसके बाद क्या आएगा थ्री ट्वेल्व, उसके बाद क्या आएगा फोर सिक्सटीन, फाइव ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अब ध्यान से देखना, फाइव ट्वेंटी फाइव तक खत्म ही करना है एक एलिमेंट, और आपके पास बचता है क्या, बचेगा आपके पास बोलो शाबाश, एक बचता है फाइव कोमा ट्वेंटी, नहीं ट्वेंटी फाइव नहीं आएगा सॉरी, फाइव कोमा ट्वेंटी, 25 तो 1/5 तो जाएगा ना, 5, 20 और 6 के साथ आएगा बच्चों 24, 6 4 20, ठीक है। ये आपके पास R के जो एलिमेंट्स हैं ये आ जाएंगे। फिर उसने पूछा डोमेन ऑफ R, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों डी आर, इसका मतलब हो जाएगा डोमेन ऑफ R, डोमेन में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 जो फर्स्ट पोजिशन पर, 1 2 3 4 5 और 6, रेंज ऑफ R, R R रेंज में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 4 8 12 16 20 और 20, ये किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे रेंज के, ठीक है। ये उसने हमारे से पूछा था बच्चे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आप ट्राई कीजिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहते हैं बच्चों, आर इज रिलेशन ऑन जेड, जेड का मतलब है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, आर कहाँ रिलेशन है, इंटीजर्स पर रिलेशन है, ए कोमा बी, वेयर ए बिलोंग टू जेड, बी बिलोंग टू जेड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है जो इसके इक्वल क्यों ना बी स्क्वायर, आर रिलेशन है जेड पर, तो आपने आर बताना है, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर आपको बतानी है, ठीक है। देखते हैं ध्यान से, जब आपके पास बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है, जब हम इवन पावर हटाते हैं तो उसका आंसर आता है प्लस माइनस के साथ, तो ए इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब R बनाइए, यहाँ से क्या बनेगा, R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए A, B की वैल्यू पुट कर दीजिए, B की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस A, A प्लस माइनस A, सच दैट A बिलोंग टू Z, मुझे इसका क्या बताना डोमेन, डोमेन में तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे इंटीजर ही आ जाएंगे बच्चे, क्योंकि A इंटीजर से, इसी तरीके से रेंज भी क्या आ जाएगी इसकी, इंटीजर आ जाएगी, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगी, रेंज में क्या आएगी इसकी, इंटीजर्स। सेवंथ क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद एट्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, देखें आर इज रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए, ए सेट आपके पास क्यों ना 1 2 3 4 5, और बी सेट में आपके पास क्यों ना बच्चों 1 4 5, रिलेशन आपके पास लेस देन का, ठीक है, लेस देन, लेस देन में आपके पास, यानी कि रिलेशन में आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे वो आप देखिए, 1 1 1 के इक्वल होता नहीं आएगा, 1 4 1 5 2 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 ग्रेटर हो जाएगा, 2 4 2 5 4 5 ये आएगा, ठीक है। उसने क्या पूछा फिर, आर आपके पास आल्सो फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, इनवर्स भी आपको निकालना बच्चों, आर इनवर्स देखिए क्या आएगा, 4 1 5 1 4 2 5 2 5, ये उसने हमारे से पूछा, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर देखना, डोमेन ऑफ आर बताना क्या आएगी बच्चों, डोमेन ऑफ आर 1 के बाद 2 उसके बाद, ये डोमेन ऑफ आर आएगी समझे, इसके लिए सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, और डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स का डोमेन देखिए 4 और 5, समझिए बात। उसके बाद रेंज ऑफ आर, आर की रेंज बताइए बच्चों 4 और 5, इसी तरीके से रेंज ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स की रेंज बताना 1 2
और याद ही नहीं उसकी नहीं जो ये हम वैसे कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए बच्चों। तो यहां से हमने नोट किया डोमेन ऑफ आर यानी कि रिलेशन की डोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स आएगी। देखो दोनों इक्वल है एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू आर आर यानी कि रेंज ऑफ डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर के इक्वल। ये बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है, बहुत काम आएगा आपको। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कहता है बच्चों, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। डोमेन रेंज आपको बतानी है। देखिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 9 का, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एन नेचुरल नंबर्स, वाई बिलोंग टू एन एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मुझे ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं बच्चों जिनका सम जो है 10 के इक्वल है। देखिए ध्यान से 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चे, 1 9 फिर 2 पे चले जाओ, 2 8 3 7 4 6 5 5 क्या आएगा 5 5 उसके बाद देखिए 6 4 इसका सम 10 आता है, 7 3 और 8 2 और 9 कोई कहेगा सर 10 जमा 0 10 प्लस 0 भी 10 होता है, यस होता है, लेकिन नेचुरल नंबर लेने 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा बच्चे इसका डोमेन एंड रेंज, डोमेन आप निकाल लेंगे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेंज क्या आएगी 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज हो इक्वल आएंगे, ये आप कर लीजिएगा, डोमेन रेंज सोल्व कीजिएगा शाबाश। उसके बाद करेंगे सेकेंड पार्ट, अब डोमेन रेंज सॉल्व कर लीजिए इसकी। सेकंड पार्ट में कहता है एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एक्स लेस देन 5 वाई इक्वल टू 3। एक्स तो नेचुरल नंबर लेना बच्चों और वाई है जो वो 3 फिक्स करना है, वाई इक्वल टू 3 वो क्या कर दिया इसने फिक्स कर दिया। एक्स नेचुरल नंबर 1 से लिखिए 1 3 y तो फिक्स हो गया, फिर आपके पास आएगा 2 3 फिर आएगा 3 3 फिर आएगा 4 3 5 हम ले नहीं सकते क्योंकि x लेस देन के आपके पास 5। तो इसके डोमेन निकालिए सब, आप डोमेन ऑफ r डोमेन में फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट 1 2 3 4। उसके बाद लेंगे रेंज ऑफ r, रेंज में तो क्या आएगा बच्चों ओनली सिंगलटन 3 क्योंकि 3 3 3 है, क्या आएगा ओनली सिंगलटन 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा इसकी रेंज हो जाएगी। उसके बाद 10th क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या गिवन है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। आपने R और R इनवर्स निकालने हैं बच्चों, ठीक है। देखिए सब उस मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, पहले R क्या की हम देखिए R इज इक्वल टू सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए यहां से, R इज इक्वल टू x कॉमा y। देखिए स्टेटमेंट में क्या है, ए रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर, सेट में जरूर देखना बच्चों, x बिलोंग टू z इंटीजर्स में है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी आपने रिलेशन का क्वेश्चन करना तो सेट जरूर देखना, सेट ऑफ इंटीजर्स है ना कि यहाँ पर नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लेट कोई भी एक पेयर ले लेते हैं हम, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली, कब होगा बच्चों ये, जब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है और जो एक्स कॉमा वाई हो इंटीजर्स में, तो यहां से आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आप अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा बच्चों, y निकालते हैं यहां से, तो y कितना आएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स।
अब मुझे ऐसी वैल्यू पुट करनी है बच्चे जहां से वाई पॉसिबल हो, यानी कि इंटीजर वैल्यू है। एक्स को स्टार्ट करता हूँ, तो एक्स को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। जीरो ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, प्लस माइनस वन, टू थ्री फोर फाइव भी ले सकते हैं, फाइव पे जीरो आ जाएगा, माइनस फाइव पे भी जीरो आएगा। देखो माइनस फाइव का स्क्वेयर जीरो, सिक्स नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वेयर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स में बात चली जाएगी। तो आप लिखेंगे सर बस यहाँ पर, सिंस x belong to z, x आपके पास कोई भी इंटीजर होगा, सिंस x belong to z, therefore x can, therefore x can take the values, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है बच्चों, जीरो, उसके बाद क्या ले सकता है, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर और प्लस माइनस सिक्स ले नहीं सकता बच्चों, क्योंकि सिक्स का स्क्वायर 36, 25 माइनस 36 तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा। और आंसर में क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो एक एक टर्म उठाते हैं बच्चों, देखिए नाउ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स को यहाँ पर जीरो रखा बच्चे, ये स्टेप ध्यान से देखना, एक्स को जीरो रखा तो ये स्क्वायर रूट फाइव 25 आया, तो वाई की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, तो इसका मतलब x 0 लिया तो y कितना आ सकता है 5 आ सकता है, x 0 लिया तो y कितना आ सकता है माइनस 5, ये आ गया। अब अगला केस देखते हैं बच्चों, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लेंगे तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1, 24 का स्क्वायर रूट, ये इंटीजर नहीं है, विच इज नॉट एन इंटीजर, ये आपके पास इंटीजर नहीं है तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, ये लिख भी लेते हैं आप, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इज रिजेक्टेड, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन इज रिजेक्टेड, उसको हम जो है रिजेक्ट करते हैं। आगे देखिए बस, एक्स की वैल्यू लेंगे प्लस माइनस टू, तो वाई आएगा बच्चों 2 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 25 माइनस 4 21 का स्क्वायर, ये भी आपके पास इंटीजर नहीं है, विच इज नॉट एन इंटीजर। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इज रिजेक्ट, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू लेंगे प्लस माइनस थ्री, तो वाई आएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या क्या आएगा, देखो पहले प्लस माइनस 3, पहले प्लस का 3 ले लीजिए 3 4 3 माइनस, फिर माइनस का 3 ले लीजिए माइनस 3 4 और माइनस थ्री माइनस फोर बिलोंग टू, ये हो गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस थ्री के लिए। फिर आप लेंगे एक्स को प्लस माइनस फोर, तो वाई आएगा बच्चों देखो 25 माइनस फोर का स्क्वायर करेंगे 16, 9 का स्क्वायर रूट, तो ये आएगा प्लस माइनस थ्री। तो यहाँ से पेयर बनाइए, पहले प्लस का 4 लीजिए 4 3 4 माइनस थ्री, फिर माइनस का 4 लीजिए यहाँ से माइनस 4 3 और माइनस फोर माइनस थ्री, ठीक है ये हो गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फोर के लिए। फिर लीजिए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फाइव, तो वाई आ जाएगा जीरो, वाई अगर एक्स प्लस माइनस फाइव है तो क्या वैल्यू आएंगे, माइनस फाइव कोमा जीरो और फाइव कोमा जीरो बिलोंग टू आर, ये आ जाएगा, ठीक है। सभी के सभी जो रिलेशन है वो कंबाइन कर लीजिए आप, जो जो आपने लिखेंगे देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे देयरफॉर आर इज इक्वल टू, क्या क्या है आपके पास, पहले वाला था बच्चों 0 5 0 माइनस 5, ठीक है 0 5 0 माइनस 5, अगला था ये 3 4 वाला 3 4, क्योंकि दो तो रिजेक्ट हो गए थे ना बीच में, ये आएगा 3 4 3 माइनस 4 माइनस 3 4 माइनस थ्री माइनस फोर, फिर फोर वाला फोर थ्री माइनस फोर थ्री फोर
फोर माइनस थ्री, माइनस फोर माइनस थ्री, और फिर ये बच्चे माइनस फाइव जीरो फाइव, ये आपके पास आर आ जाएगा। उसके बाद पूछा पूछा आर इनवर्स भी उसने पूछा, तो आर इनवर्स आप खुद सॉल्व कर लेंगे। सभी के सभी जो ऑर्डर पे हैं उनको आप उल्टा कर दीजिए, कैसे जीरो फाइव को क्या लिखोगे फाइव कोमा जीरो, फिर लिखोगे माइनस फाइव कोमा जीरो, थ्री फोर को फोर थ्री, थ्री माइनस फोर, फोर माइनस थ्री, माइनस फोर माइनस थ्री, ये फोर थ्री को क्या लिख सकते हैं आप थ्री कोमा फोर, ये आ जाएगा बच्चों थ्री कोमा माइनस फोर माइनस थ्री फोर। नेक्स्ट स्टेप हो चुके हम, ये आएगा माइनस थ्री माइनस फोर जीरो माइनस फाइव और जीरो, ये आ रही है सारे। उसके बाद वो पूछता भी है बच्चों कि आप उनमें जो है रिलेशन बताइए आपस में, आपके पास रिलेशन क्या है, हेंस फाइंड देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। डोमेन्स बताते हैं, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर बताइए कितना है, डोमेन ऑफ आर क्या आएगा जीरो, उसके बाद आएगा माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री थ्री फोर, ये आर आ गई। आर इनवर्स की डोमेन भी सेम ही आ गई, तो चाहे चेक कर लेना यहाँ इस क्वेश्चन में क्या मिलेगा, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आपने बड़े अच्छे ढंग से इसको जो है ट्राई करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लेटर रिलेशन आर वन ऑन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज, आर वन आपके पास रिलेशन है इस तरीके से डिफाइंड है बच्चों, ए बी बिलोंग टू आर वन इफ एंड ओनली इफ, if and only if 1 plus ab is always greater than 0 for all a comma b belong to r, prove that first part bacho, prove that a comma belong to r1, aur second part yani ki first mein to kehta hai wo reflexive ke bare mein, second mein kehta hai ki ab belong to r1 mein hai, iska matlab b a b जाएगा R1 में जाएगा फोर पोल के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, देखिए बच्चे R1 रिलेशन आपके पास क्या गिवन है, R1 गिवन है A B such that A कोमा B बिलोंग टू R, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं बच्चों, एंड 1 प्लस A B इज ग्रेटर देन 0, यानी कि R1 में ऐसे ऑर्डर पे जाएंगे जिनकी प्रोडक्ट करने के बाद उसमें 1 ऐड करें तो वो क्या है ग्रेटर देन 0 आए। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं, देखिए फोर एन ए बिलोंग टू आर, कोई भी हम रियल नंबर लेंगे तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर, तो वन प्लस ए स्क्वेयर क्वांटिटी में ऐसा कैसे होते पॉजिटिव, और उसमें वन ऐड करेंगे तो ये टर्म हमेशा क्या आएगी जीरो से बुरी, इसका मतलब कोई सेम सेम एलिमेंट इसके अंदर जाएंगे ए ए बिलोंग टू आर। उसने नेम नहीं मेंशन किया, वैसे ये क्या बन गया रिफ्लेक्सिव ऑपरेशन, ये हमने एक एलिमेंट लिया था लेकिन ये हर एक एलिमेंट के लिए बात होगी, तो लिखेंगे देयरफॉर ए ए बिलोंग टू आर वन फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ये ए जो है आर का एलिमेंट था फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, रियल नंबर कैपिटल आर जो बच्चे यहाँ पर रियल नंबर को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए उसने आर वन लिया रिलेशन, क्योंकि दो आर हो जाते हैं उसमें जो उसको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो बस सेकंड पार्ट में देखिए, अगर ए बी आर वन में है तो बी ए बी आर वन में होना चाहिए, तो लेके चलेंगे लेट ए बी बिलोंग टू आर वन, दिस इंप्लाई अगर ए बी आर वन में तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वन प्लस ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, अगर वन प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो वन प्लस बी ए बी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब बच्चों बी ए है जो इसमें बिलोंग करेगा आर वन, क्योंकि कंडीशन आर वन की, इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ देयरफॉर अगर ए बी बिलोंग करता है आर वन में, दिस इंप्लाइज बी ए किसमें बिलोंग करेगा आर वन में, इसके लिए हर एक ए बी के लिए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग,
फोर और ए बी बिलोंग टू आर के लिए ये बच्चों अगर ए बी आर वन में हो तो बी ए बी बिलोंग करेगा आर वन में बिलोंग। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया है, इसमें रिलेशंस टाइप्स के बारे में हमने स्टडी किया बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें हम जो है फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।